पूरा मामला जनपद औरैया के ग्राम बंथरा बिधुना से जुड़ा है। यहां के रहने वाले धीरज सिंह ने अपनी पुत्री की भावना की शादी एक वर्ष पूर्व जनपद मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र और अंदर निवासी दिलीप सिंह के साथ की थी, जिसमें धीरज ने 6 लाख रुपए दहेज में दिया था। इसके बावजूद भी ससुराली जन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। ससुराली जनों ने भावना को आग के हवाले कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें बातचीत चल रहे अभियुक्त दिलीप सिंह व सास नीता चौहान को क्षेत्राधिकारी भोगांव परमानंद पांडे ने विवेचना करते हुए पति व सास को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जिसके साथ शादी के उत्तराम में दिलीप सिंह और श्याम बी सिंह चौहान, इनके यहाँ शादी की थी 9 माह पहले, लेकिन दीदी का 9 माह सेकेंड महीने से ही फोन आने लगा था। हमेशा दहेज को लेके परेशान करते थे दीदी को, हमेशा कैश हम लोगों ने अच्छा खासा कैश दिया, अच्छा दान दहेज दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो हमेशा परेशान, ये टॉर्चर करते थे कि पैसे मंगाओ, हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, आए दिन परेशान करते थे। इसके चलते 27 दिसंबर 2017 को हमारी दीदी को इन्होंने आग लगा के मार दिया, आग लगा दी, जिससे हमने उन्हें सरगोधा हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ पर उनका इलाज चलाया, वहाँ पर इलाज फ़ायदा ना मिला तो हम एम्स लेके गए उन्हें दिल्ली में। दिल्ली में उनके हमने इलाज कराया, 3 दिसंबर को वो एक्सपायर हो गई, और 3 जनवरी को एक्सपायर होंगी, 3 जनवरी 2018 को। इसके बाद हम लोगों ने FIR की, FIR में माँ का नाम और उस लड़के का नाम हमने दिया, जिसमें लड़के की गिरफ्तारी तो सेकेंड डे हो गई थी, बट अभी तक बाकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बस हमने काफ़ी CO से भी चक्कर लगाए, SP से तो नहीं मिला, लेकिन एक लेटर में डाला था यहाँ से, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, और वकील भी मैंने कर रखा है, वकील से भी मैंने राय ली, लेकिन सब तरह से हम लोग। क्या लगता है पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कह देती है पुलिस? सर, हमारी CO से एक्चुअली बात हो रही है, तो CO हमेशा कहते हैं हम विवेचना कर रहे हैं और देख रहे हैं, टहलाने का काम कर। महिला को जो ना आग लगाकर मौत की घाट उतार दिया था ससुराल में, सर क्या पूरा मामला है? हाँ, उसमें एक दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था 4-1 में, जिसमें 2 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, उसकी माँ नीता देवी और पति दिलीप कुमार को। जी, जिसका में दिलीप कुमार को दिनांक 5-1 को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था, और दूसरी अभियुक्त उसकी जो माँ नीता देवी थी उसको 14-3-2015 को जेल भेजा गया है। इस मुकदमे में चार्जशीट भी लग गई, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं सर। हाँ, दोनों गिरफ्तार हो गए, मामले में चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है।